सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक प्रो टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टॉक मार्केट रिलेटेड टिप्स सबसे पहले पाने के लिए। प्लीज रीड द डिस्क्लेमर केयरफुली। इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन वेदर टू बाय सेल और होल्ड द स्टॉक्स मेंशन्ड इन दिस वीडियो। इट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माई चैनल। आज हम इस वीडियो में ITC का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और 2019 के लिए इसका टारगेट प्राइस क्या हो सकता है इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पहले ITC का टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम इसके टेक्निकल्स का एनालिसिस करने वाले हैं और इसके बाद हम इसके ऑप्शन चेन डेटा का एनालिसिस करने वाले हैं और आखिरी में जाके हम इसका टारगेट प्राइस के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। अभी हम ITC का टेक्निकल चार्ट को देख पा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी इसका VWAP वैल्यू 282 का चल रहा है और इसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दौरान 280.9 पे अपना क्लोजिंग दिया था। इससे हमें यह पता चलता है आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में इसमें गिरावट का सिलसिला जारी रह सकता है। अगर हम सुपर ट्रेंड की ओर देखें तो यह अभी एक बियरिश सिग्नल जनरेट कर रहा है, तो आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इसका बियरिश लुक जारी रह सकता है। अगर हम वॉर्टेक्स की ओर देखें तो यहाँ पे ब्लू लाइन 0.97 के लेवल पे है और रेड लाइन 0.93 लेवल पे है। अगर हम इसमें कोई ट्रेड लेना चाहें तो ब्लू लाइन 0.1 से ऊपर होना चाहिए और रेड लाइन 0.9 के आसपास होना चाहिए, तभी हम इसमें कोई ट्रेड ले सकते हैं। अगर ऐसा सेटअप बना तो हम लॉन्ग साइड में ट्रेड ले सकते हैं। अभी हम देख पा रहे हैं MACD में MACD सिग्नल लाइन के ऊपर चल रहा है, लेकिन जो हिस्टोग्राम्स फॉर्म हो रहे हैं उनके लेंथ अभी घटते हुए जा रहे हैं। इससे हमें मार्केट में हो रहे इनडिसाइसिवनेस की ओर इशारा हो रहा है। तो ये MACD लाइन जब ये जीरो लाइन को क्रॉस करके ऊपर की ओर जाए तभी हम इसमें कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की उम्मीद कर पाएंगे और तभी हम एक इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं। अभी हम ITC का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। जैसे यहाँ आप देख पाएंगे ये अभी डेली टाइम फ्रेम में 11 आउट ऑफ 12 मूविंग एवरेजेस में स्ट्रॉन्ग सेल कॉल जनरेट कर रहा है और वैसे ही ये अभी 5 आउट ऑफ 9 टेक्निकल इंडिकेटर्स में सेल कॉल जनरेट कर रहा है। अगर हम डिटेल में चेक करते हैं तो हम देख पाएंगे RSI, MACD, ADX, अल्टीमेट ऑसिलेटर और बुल एंड बियर पावर जैसे टेक्निकल इंडिकेटर्स में ये अभी सेल कॉल जनरेट कर रहा है। अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न की ओर देखें तो ये अभी डेली टाइम फ्रेम में दो इमर्जिंग पैटर्न्स को शो कर रहा है, जो कि है 3 डाउन आउटसाइड डाउन और फॉलिंग 3 मेथड। 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न अभी 1 मंथ के टाइम फ्रेम में जनरेट हो रहा है और इसका जो रिलायबिलिटी है वो है 3 out of 5। तो हम इस पैटर्न को देख के हमें ये पता चलता है कि आगे आने वाले टाइम फ्रेम में इसमें गिरावट का सिलसिला जारी रह सकता है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये अभी फॉलिंग 3 मेथड जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न को शो कर रहा है और इसका भी रिलायबिलिटी 3 out of 5 है, तो हम इसको भी रिलायबल मान सकते हैं। अगर हम ITC के ऑर्डर बुक को चेक करें तो हम देख पाएंगे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दौरान 2.14 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए थे, जिनमें से 80.26 लाख शेयर्स डिलीवर हुए और जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी था वो था 37.38%। आगे हम इसका ऑप्शन चेन डेटा का एनालिसिस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं अभी हम नवंबर के एक्सपायरी में हैं और अब इस लेवल के आसपास हैं और आप यहाँ पे देख पाएंगे 270 के लेवल पे 9.19 लाख कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट देखी जा सकती है, तो ये आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल बन सकता है। अगर हम नवंबर के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के जैसा देखते हैं तो वो 260 का लेवल देखा जा सकता है, क्योंकि इस लेवल पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दौरान 4.41 लाख पुट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं और इस लेवल पे अभी 18,62,400 कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट देखी जा सकती है, तो ये नवंबर के एक्सपायरी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन जाता है। अगर हम कॉल साइड में चेक करें तो हम देख पाएंगे कॉल साइड में 290 के लेवल्स पे 8.92 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं और इस लेवल पे अभी
16,77,600 कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट देखी जा सकती है। तो ये अभी के लिए एक स्ट्रॉन्ग, एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। अगर हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के बारे में बात करें तो वो 300 लेवल्स पे हम देख पाएंगे, क्योंकि इस लेवल पे अभी 19,10,400 कॉल कॉन्ट्रैक्ट एड हुए हैं और इस लेवल पे भी 30,09,600 कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट देखी जा सकती है। तो ये लेवल नवंबर की एक्सपायरी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है। मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे आईटीसी के चार्ट को देख पा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं अभी आईटीसी सेंटीमीटर में इसमें 50% बाइंग रिकमेंडेशन शो हो रहा है और 50% सेलिंग रिकमेंडेशन शो हो रहा है। इससे हमें यह पता चलता है अभी मार्केट में बहुत बड़ा इनडिसाइसिवनेस है आईटीसी को लेके। तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, लास्ट कुछ दिनों में इसमें एक ब्लॉक डील भी हुआ है जो कि 289 के वैल्यू पे हुआ है और इस प्राइस पॉइंट पे लगभग 19.52 करोड़ के शेयर्स को बेचे गए हैं। अगर हम एंजल ब्रोकिंग के एआरक्यू स्कोर को चेक करें तो ये अभी भी 94.04 का स्कोर अभी इस पे दिखा रहा है, जो कि एक एक्सीलेंट स्कोर माना जा सकता है। और अगर हम इसके ऑर्डर बुक को चेक करें तो यहाँ पे आप सेलिंग साइड पे 41,851 शेयर्स देख पाएंगे, जबकि बायर साइड पे अभी भी कोई बिडिंग नहीं देखी जा सकती है। अगर हम इसके Q2 रिजल्ट की ओर देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं इसने 26 अक्टूबर को अपना Q2 रिजल्ट को अनाउंस किया हुआ था, जिसमें 12% का ग्रोथ देखा गया और लास्ट ईयर के मुकाबले इसने 8.7% का ग्रोथ देखा गया और इसका जो प्रॉफिट था वो था 3,579.07 करोड़, जो कि सितंबर क्वार्टर में एंड हुआ। अभी हम नेक्स्ट 12 मंथ के लिए आईटीसी का टारगेट प्राइस को चेक करने वाले हैं। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कंसेंसस एस्टिमेट्स में यहां पे 338.85 का टारगेट प्राइस को शो किया जा रहा है, जो कि करंट लेवल के प्राइस से लगभग 20.63% का अपसाइड पे है। अगर हम यहाँ पे एक मेजर करेक्शन की बात करें तो अभी आईटीसी 250 से लेकर 260 तक नीचे गिर सकता है, तो आप उस लेवल के आसपास वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। और अगर वहां पे आप खरीदारी करते हैं तो आपको आईटीसी में लगभग 30 से लेकर 35% तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक प्रो टिप्स चैनल को और पाइए स्टॉक मार्केट और पर्सनल फिनेंस रिलेटेड वीडियो सबसे पहले। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर ऑन दिस वीडियो।